बेटे इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? अरे अरे गलती हो, अबे सॉरी 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 सॉरी। तो भाई क्या हाल चाल है? जो आज का ब्लॉग है ना, मलेशिया का ब्लॉग है, और मैं ये ब्लॉग देखूंगा अपने बाबा जी के साथ, जिनका नाम है क्लच। तो बाबा जी कर लो आप हेलो हाय मेरी ऑडियंस के साथ। बेटे हेलो हाय को मार गोली, पहले तू ये बता तू दारू की दुकान के सामने कर क्या रहा है? ये काम मेरा है, तू सुन तो लो। वहाँ कर क्या रहा है पता मुझे पहले? अरे ये एयरपोर्ट में होती है दुकानें, तो मुझे इसी जगह से जाना था यार, क्या बात करते। बेटे ये जो चीज टंगी हुई है ये तेरी गर्दन में आ जाएगी क्या? अरे क्या बोल रहे हो यार, हंस लिया बाबा? मेरी गर्दन कौन सी जिराब वाली है जो मेरे आएगी नहीं, और वैसे भी मैंने ये खरीदा नहीं था क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी इसकी। तो बकवास करना बंद कर अभी। बेटे ये क्या लिखा हुआ है, द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर? क्यों, कोई हक चला गया है क्या जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है? बेटे सामने वाले बंदे ने कच्चा क्यों पहना हुआ है? अरे बाबा वो उसकी मर्जी है ना, जो मर्जी पहने वो। तो बेटे तूने कच्चा क्यों नहीं पहना? अरे बाबा मैंने पैंट पहनी तो ये क्या बातें कर रहा है यार, तू चुप कर यार। बेटे ये क्या चीज है? बाबा ये स्क्रीन, सामने स्क्रीन लगी हुई है, उसका रिमोट है ये, तो ये इस बटन से खुल जाता है तो ये। अरे यार ये तो बहुत तगड़ी चीज है, ले यार इससे तेरे कीबोर्ड के लिए काम आ जाएगा। अरे ये मरवाएगा यार। बेटे ये क्या खाया था प्लेट में तूने? बाबा बीच में राइस है, लेफ्ट में घिया जैसी दाल थी, राइट में थे पालक पनीर, और एक चमड़े जैसी रोटी थी, एक ब्रेड केक था कुछ ऐसा ही था, और साथ में पानी की बोतल थी, और बाद में फिर हमने कोक लिया था थोड़ा सा। तो बाबा 5.5 घंटे के सफर के बाद यहाँ मैं पहुंच गया था मलेशिया। ये मलेशिया के बाहर का एयरपोर्ट। बेटे उधर बच्चे रखने की ट्रॉली ऐसी होती है? अरे नहीं यार, इसमें सामान रखा जाता है जो हमारे साथ सूटकेस वगैरह होते हैं, इस पे रखे जाते हैं वो, ताकि जो दिक्कत ना हो इधर उधर जाने में। अरे सॉरी यार बेटे, मुझे क्या पता मेरी कौन सा शादी हुई है यार। तो अभी शादी नहीं हुई। क्या बोला? कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाबा ये होटल के बाहर का व्यू है। तो होटल तो मैं दोपहर को ही पहुंच गया था, पर मैं थोड़ा थक चुका था तो मैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं थक चुका था इसका क्या मतलब है? तू क्या पैदल यात्रा करके आया था क्या यहाँ पे? क्या बात कर रहे हो यार, थकावट हो जाती है, इतना लंबा सफर है यार। बेटा रात हो चुकी है तो इस टाइम तू अंदर होना चाहिए, बाहर क्या कर रहा है? तो होटल का पानी पी के सो जाऊं क्या? खाना खाने जा रहा था बाहर, तभी बारिश शुरू हो गई। पागल हो यार आप। तो बाबा अगले दिन मैं गया था बहुत ही सुंदर बुद्धिस्ट टेंपल में, और उसके बाद। एक मिनट बेटे, एक मिनट, ये भाई सब कौन है? बाबा ये टूरिस्ट गाइड है, ये मेरे साथ ही रहा है पूरे टूर के दौरान, तो अपना ही बंदा है। तो बेटे ये देख क्या रहे हैं यहाँ पे? बाबा ये बता रहा था कि ये जो भगवान जी की मूर्ति है ना सामने, तो इसके नीचे ना एक छोटा सा तालाब है, उसमें पानी भरा होता है मछलियों वाला, तो ये कह रहा था कि आज शायद सफाई कर रहे हैं उसकी, तो ये समझा रहा था मुझे ये। अच्छा अच्छा तो बाबा उसके बाद ना एक जगह पे 12 अलग अलग जो जानवर है ना उनकी मूर्तियां बनाई गई है। आप ये बता नहीं सकते कि मूर्तियां असली है या नकली, इतनी डिटेलिंग के साथ इन्हें बनाया गया है ना। हर एक अलग अलग जानवर एक अलग अलग ईयर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ बेटे वो कैसे, थोड़ा डिटेल में बता ना यार। अच्छा बता, समझ में नहीं आ रहा। अरे रुक जा बताता हूँ। जैसे मान लो अभी 2022 चल रहा है तो उसके... मान लो क्या 2022 ही चल रहा है बेवकूफ। बाबा तेरे को सुनना है या नहीं सुनना? अरे चल बोल बोल यार। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो वहाँ पे अलग से टेम्पलेट बना के रखी हुई है जानवर के साथ, तो उसे पता चलता है कि ये जानवर इस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे होता है वहाँ पे। तो वहाँ ये त्योहार की तरह मनाया जाता है, जैसे यहाँ दिवाली मनाते हैं ना वहाँ वैसे ही। तो मुझे ऐसे ही समझाया था साथ वाले बंदे ने, तो मैं ऐसे ही समझा था। तो आगे बढ़ते हैं चलो। तो
बाबा ये टेंपल के अंदर का व्यू है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था अंदर से ये। और उसके बाद ये बेटी यहाँ सभी ने सफेद कपड़े पहने हैं और ये आंटी परात लेके क्यों खड़ी हुई है यार? अरे अरे वो परात नहीं है, उससे फोटो अच्छी आती है, मुंह पे थोड़ी सी रौनक लगा देता है वो। हाँ बेटे फिर तो तू 3-4 परात अपने पास ही रखो वाली। देखो ना दिमाग खराब हो गया है। तो भगवान के दर्शन के बाद ये भाई साहब अपना लक जमाने लगा। अरे बेटे इसने पेंट पहनी तो हुई है, इसे अपना लक नहीं मालूम यार। अरे वो लक नहीं, अबे लक लक बेस्ट ऑफ लक वाला लक यार। ओ ये अच्छा क्या अच्छा अच्छा पागल आदमी से पाला पड़ गया। क्या बोला रे? अब मेरी बारी, अभी मेरी बारी। बेटे अगर तूने अपना थोबड़ा पहली बार स्क्रीन पे दिखाना ही था तो तू उसे परात ले ही आता, तेरा थोबड़ा थोड़ा सा चमक ही जाता है यार। मेरे प्यारे बाबा, वो मेरा जो कैमरा मैन है वो मेरा गाइड है, तो कैमरे का फोकस बाहर है इस टाइम पे, तो मेरे पे नहीं है। तो बकवास बंद कर अपनी यहीं ये पे रे। सब छोड़, तू ये बता तेरा नंबर कितना आया था? मेरा नंबर आया था 32 या 33 कुछ ऐसा आया था, पर मैं वो पेज नहीं दिखाऊंगा तुम लोगों को क्योंकि उसमें बहुत कुछ सही लिखा हुआ। उसमें 6 चीजें लिखी हुई थी और 6 की 6 सच थी, तो मैं वो दिखाने नहीं वाला। सॉरी फॉर दैट। बेटे मैंने पहले ही पूछा तेरे से, इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे, मुझे ये बता पहले। अरे ये क्या दिखाना चाहता है? बाबा जी आप गलत साइड जा रहे। अरे अरे सुनो तो सही। अरे वो देखो सामने कुआलमपुर, वो देखो वो सामने देखो। अरे इनकी मैरिज है, इनकी नहीं मतलब इस एक जोड़े की मैरिज है, तो वहां पे सारे इकट्ठे हुए हैं, तो तुझे क्या लेना देना है रे? तू क्वेश्चन इतने पूछता है ना। ओ बेटे, हाँ बाबा बोल। अबे ये किसके घर के बाहर तो भीख मांगने चला गया था? भीख मांगने नहीं गया, ये किसी राजा का महल है, उसके घर के नहीं, घर नहीं महल के बाहर का लोकेशन है ये। हाँ भीख मांगने जाऊंगा क्या वहां पे मैं? और आ जा चल आगे दिखाता हूँ तुझे, घोड़े दिखाता हूँ यहाँ पे, घोड़े दिखाता हूँ, चल चल आगे। अच्छा घोड़े, यहाँ तेरे बाप ने कौन सी घोड़ों की रेस कराई हुई है? बेटे गलती हो जाती है, बुढ़ा हो गया तो गलती हो जाती है कभी कभी। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोल रहा हूँ, पहले पूरी बात सुन लिया कर तब जाके बोला कर। अब ये देख ले, ये जो गेट है ना देख कितना सुंदर बनाया हुआ है, ये देख बीच में एक पूरा बड़ा बड़ा गेट है, और ये बेटे फोटो ही खींच देता उसकी जाके। राइट में भी एक घोड़ा होता है, ये देखो सामने खड़ा है। बेटे मैं तो ये कह रहा था कि उसे दिक्कत हो रही थी फोटो खींचने में। इस महल के अंदर एक राजा रहता है जो 12:45 के बीच में बाहर आता है, ठीक है? वो घूमने जाता है, कहाँ जाता है, हकने जाता है, मुझे नहीं पता, घंटा का मुझे पता करना भी नहीं है। तो मेरी वहां पहुंचने की टाइमिंग थी 11:30 बजे, तो इन्होंने ये जो आले दुआले मतलब लेफ्ट राइट में जो बैरिकेड लगाए हुए हैं ना, ये उन्होंने खोल दिए थे। तो जब राजा जी बाहर रहेंगे तो जो हमारे जैसे टूरिस्ट है वो इन बैरिकेड के पीछे खड़े होकर राजे को घूर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो मेरा ये करने का कोई मूड नहीं था, तो मैं हमने ड्राइवर को बोला चलो यहाँ से निकलते हैं, बहुत हो गया यहाँ पे, और आगे बढ़ते चलो फिर। अरे बेटे ये कहाँ आ गए यार हम? बेटे यहाँ तो बच्चे भी आए हुए हैं यार। बाबा ये ना फ्रीडम फाइटर्स की याद में बनाया हुआ है ये।
जैसे हमारा भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था ना, वैसे ही मलेशिया 31 अगस्त को आजाद हुआ था। और जब आजादी के दौरान जो फ्रीडम फाइटर्स है जो शहीद हुए थे ना, तो उनकी याद में ना ये जगह बनाई गई है। तो ये है इस जगह की हिस्ट्री। बेटे ये कौन सी बिल्डिंग है? ये तो तेरे कैमरे में नहीं पूरी आ रही। बाबा ये बिल्डिंग का जो नाम है ना, ये है, ये जो लिखा हुआ है ना सामने स्क्रीन पे, यही है, ट्विन टावर कहते हैं इसे। तो जैसे दुबई में बुर्ज खलीफा है ना। हाँ बेटे मुझे पता है खलीफा बारे। हाँ तो मलेशिया में ये है, ये ट्विन टावर है, ये बहुत ही लंबा है, मतलब ऊंचा है। तो इस बिल्डिंग में टोटल 84 फ्लोर है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो बाबा जी, से बहुत बड़ा है ये, बहुत ज्यादा बड़ा। मतलब गर्दन ऊपर मैं पता नहीं कैसे कर रहा था तब, तो कैमरे से पता लगा ही सकते हो आप। तो चलो आखिरी लोकेशन पर चलते हैं अपन। अब हम तो निकल पड़े थे। अरे बेटे बेटे गन्ने की मशीन पड़ी है, वो नहीं आता यार। ओ हेलो, गन्ने की मशीन नहीं है वो कॉफी नहीं, चॉकलेट बनाने की मशीन है वो देख, जब पपीता बना हुआ है ना, ये पपीते में, पपीता नहीं है ये, मतलब वहां का फल है, उसमें से बीज निकलते हैं उसके चॉकलेट के, तो उससे घसमान कुछ करना पड़ता है उसका, घसमान वगैरह, तो उससे बनती है। यार तुझे कुछ पता नहीं है, बीच में बोली जाता है यार भी। चल बेटे अभी मैं समझ गया यार, माफ कर दे अभी मेरे को। चल मुझे ये बता, इतने सारे बंदे यहाँ कर कह रहे हैं, ये सारे चॉकलेट लेने आए हैं क्या, ये बता मेरे को। हाँ जी साहब, यहाँ पे सारे बंदे चॉकलेट लेने आए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्टोर है ना वो चॉकलेट से भरा हुआ है। यहाँ पे चॉकलेट के अलावा घंटा कोई और नहीं मिलेगा, दूसरी चीज आपको मिलेगी नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा ये बात है, यहाँ पे तो फिर बेटे इंडिया में है कुछ ऐसा? हाँ हाँ हमारे यहाँ पास में ही है किराने की दुकान, हाँ वहां से मिल जाता है सब। अबे तेरे पे लानत है मेरे। बेटे पहले मुझे तू ये बता, तूने भी ली थी क्या वहाँ पे चॉकलेट? नहीं अभी आप बैंकर का बर्ता खा के हटे, अभी वही खाया है मीठे में, ऊपर से 700 तुम्हारी शुगर हुई पड़ी है। बेटे आगे बढ़ो आगे। तो ये जो डब्बा है ना जो उस मैंने सामने उठाया, ये मुझे लगा था कि ये पूरा डब्बा भरा होगा, पर इसमें पता कितने पीस से? यार 30-40 पीस तो होने ही चाहिए। सर 9 पीस थे। हाँ कितने? 9। अबे 9 पीस, इसका प्राइस क्या था? लगभग 50-60 रिंगेट होगा। अबे इंडिया वाले बता यार। यही कुछ 800-900 रुपए। अबे भूतनी के पागल है के? अबे 900 रुपया तू चॉकलेट पे खर्च कर आया, यहाँ मेरे को दे देता, मैं बैंक में जमा ही करा आता यार। बेड़ा गर्क कर दिया इसने। हाँ हाँ बैंक में जाओ और वहाँ पे FD करा लेना, और मेरे चट्टी बनियान ले जाना, वहाँ पे लॉकर में जमा करा देना अपने। हाँ ठीक है, चलो चलो बाबा, बहुत देख लिया बोलो, चलो चलो रास्ता कट्टो अपना, चलो शाबाश। हाँ हाँ जा रहा हूँ, ये ले अपना हेडफोन, अगली बार मेरे को बुला मत लियो यहाँ पे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अभी। अरे हाँ हाँ कौन बेवकूफ बुलाएगा आपको यहाँ पे। चल ठीक है, मैं भी वापस नहीं आऊंगा अभी, बाय। तो समस्या हमारी टल चुकी है। तो भाई आज की जिंदगी का सफर यहीं तक आकर आपको ये ब्लॉग है, ये मुझे नहीं पता ये ब्लॉग बना है या नहीं बना है, बस मुझे कमेंट में बता देना ये ब्लॉग है या नहीं है, मुझे भी खुद नहीं पता कि ये क्या है, बस मैंने कर दिया जो करना था, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था बस, और कुछ नहीं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये एक ही था, पर नहीं ऐसे कैसे एक, ना 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 ना, अलग अलग आएंगे, टेंशन मत लो, काफ़ी सारे आएंगे ब्लॉग अगर आप चाहोगे तो। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फलाना धमकाना कर दो जो करना है। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, चंगा उठा ना जाए बस, बाय बाय।
साले मैं दीवार के पीछे खड़ा हूँ, चुप कर जा। अरे जा भाई यार, क्या कर रहे हो।